स्टूडेंट आज आपके सामने हम बताएंगे फिर से सूत्र को बनाना सिखाएंगे। इसके पहले मैं बना चुका हूँ आपका ब्रेत, आयत, वर्ग, ये सभी बना चुका हूँ और वेलन का भी बना चुका हूँ और घन और घनाभ का भी बना चुका हूँ। यानी आप इसके पहले अगर वीडियो देखेंगे तो सूत्र बनाने वाले फार्मूले इतने हो चुके हैं। आज यहाँ पर हम शंकु पर पहुंचे हैं, ठीक है, बेलन तक हो चुका है। और यार जो है ये सूत्र जो बनाएंगे ना इतना आसान से बनाएंगे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मतलब जो इसका कैसे सूत्र बन जाता है और आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, वो तरीका भी जान लें। याद नहीं करना है, अभी आप याद करते हैं वैसे देखें, इसके पहले अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद ही पता होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट है मैथ्स बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, ये सब प्लेलिस्ट है, बहुत सारे चेक कर लेना, इसके प्लेलिस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो बता रहे थे वो है आपका आज शंकु के सूत्र को बनाना। ध्यान देना है सबसे पहले एक बात, जैसे दिमाग बैठाइए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेलन है। दिमाग बैठाइए, ये हमारा क्या है, एक बेलन है, ठीक। दिमाग बैठाइए, क्या है, एक बेलन है, ओके। एक बेलन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये बेलन जो होता है अगर इस बेलन में से हम कुछ भी कहीं से भी काट के निकालें और उतनी लंबाई और उतनी ही चौड़ाई का, ये इसका ऊंचाई हो जा रहा है, डायरेक्ट जो है इसका ऊंचाई हो जा रहा है और ये इसकी त्रिज्या हो जा रही है। इसी त्रिज्या का, इसी ऊंचाई का, इसी त्रिज्या का, इसी ऊंचाई का अगर इसमें से हमें शंकु काटना हो तो आप दिमाग लगाइए, यहां से आपका शंकु कटेगा, ठीक। मतलब इसके बीच में देखेंगे तो एक जितना पार्ट ये है, ये जितना पार्ट है और ये जितना पार्ट है उतना ये पार्ट है। कितने पार्ट बने इसके, एक दो तीन, कितने पार्ट बने हैं, तीन पार्ट बने। मतलब हम एक शंकु, एक बेलन से जब हम शंकु को निकालने लगते हैं तो एक बेलन का तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका शंकु। यानी अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो जो अगर इसका हम आयतन अगर देखते हैं, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हमारा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आपका इसका एक बटा तीन कर दें तो हमारा शंकु हो जाएगा, बस हो गया ये सूत्र शंकु का। सेम यही तरीके, बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके और कैसे बनेगा ये सब बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है आपको। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से जो होता है बीचों बीच में से, यहाँ से अगर हम इस किनारे पर पहुंचते हैं जो कि हमारा इसमें जो सिद्धांत काम करता है वो काम करता है वृत्त का, वो किसका काम करता है, वृत्त का। वृत्त का यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या होती है, और अगर ये पूरा का पूरा माना जाए, ये पूरा का पूरा ये होता है डी व्यास होता है, ये पूरा का पूरा व्यास होता है और यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक आपकी त्रिज्या होती है। और ये जो किनारे किनारे होता है वृत्त में, ये जो किनारे किनारे होता है इसको बोलते हैं टू पाई आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टू पाई आर बोलते हैं। और इस पूरे वृत्त को अगर हम ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा वृत्त ये भरा हुआ रहे, ये पूरा वृत्त इसमें कहीं खाली है, इसका पूरा हम तल मतलब निकालें, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त को जरूर मतलब यार पिछला वीडियो देखेंगे उससे आपका ये रिलेट रखेगा ना, इसलिए पुराने वीडियोज को जरूर देखना है। ये जो वृत्त होता है अगर ये पूरा भरा हुआ है जिसको बोलते हैं आयतन के रूप में, यानी अगर ये पूरा भरा है तो इसको हम क्षेत्रफल मान लेंगे। जैसे तवा होता है, तवा में पूरा लोहा सामने से दिख रहा होगा ना, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं तो जो किनारे किनारे का ओनली बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये वृत्त का जो किनारे किनारे का बॉर्डर देख रहे हैं, ये टू पाई आर होता है, अभी इस समय काम आएगा। और यहां से केवल यहां तक आपका आर होता है, और ये पूरा अगर दो आर हो जाता है तो वो व्यास हो जाता है डी। इस तरीके से यहां पर भी जितने जो ये वृत्त बन रहा है, आपका ये वृत्त बन रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इस वृत्त में अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये आपका डी हो जाएगा, और ये क्या है, आपका आर है। और जो सीधी ऊंचाई है यहां से डायरेक्ट ऊंचाई है वो ऊंचाई है, और जो तिरछी ऊंचाई है ये एल है, ये क्या है, एल है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी तिरियक ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको हम, तिरियक ऊंचाई, तिरियक ऊंचाई, ठीक है, ये तिरियक ऊंचाई है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम यहां सूत्र निकालते हैं शंकु के आयतन का।
इस आयतन को, क्षेत्रफल को समझने से पहले हम एक चीज आपको बताते हैं, आपको क्या समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए सबसे पहले कि आयतन आखिर है क्या और क्षेत्रफल है क्या। मैं सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, डायरेक्ट बता दूं, कोई फार्मूला यूज नहीं करना, कोई परिभाषा नहीं याद करना, आपको बस समझ में आ जाए। आयतन का मतलब हो जाता है जो अंदर से भी लिया जाए, मतलब अंदर अंदर भी जो भी भरा हो उसको भी लिया जाए। हमारे कहने का मतलब, जब हम एक बाल्टी है और बाल्टी खाली नहीं है, पानी भी भरा है, तो जब पानी भरा हुआ है तो उसको पूरा फुल भरा हुआ है, तो वो पानी को लेकर भी जितना वो जगह घेरा हुआ पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, वो पूरा आयतन हो गया। अगर वही बाल्टी खाली हो जाती है तब उसमें उसके अंदर कुछ नहीं है, तो अंदर का हम काउंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आयतन नहीं कर रहे हैं, ओनली बाहर बाहर का देख रहे हैं, तो पृष्ठ देख रहे हैं। और अब इसमें बचता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वो एरिया होता है जिसको हम किसी भी एरिया में हम टच कर रहे हैं, जिसको कहीं पर भी हम टच कर रहे हैं, जैसे हमारा इस बोर्ड का क्षेत्रफल है, ये तो ये सब क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और अगर आप खेत देखे हो तो खेत में जहां तक आपका जो बोया जा रहा है वो पूरा क्या है, वो क्षेत्रफल है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको, क्षेत्रफल जो होता है वो सामने से एक तरफ से आपको दिख रहा है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं। और आयतन ऐसा होता है जो अंदर से ही होता है, बाहर से भी होता है, पूरा मिला करके उसको हम टच करने के क्या, उसको अंदर भी होता है, टच करने की क्या बात है। तो हम आयतन और क्षेत्रफल थोड़ा सा समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं आयतन का सूत्र, मतलब इस शंकु के पूरे के पूरे के अंदर को निकालना है, पूरे के पूरे अंदर को निकालना है। तो अंदर के पूरे पूरे अंदर को निकालना है, तो इसका मतलब इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको मिल क्या रहा है, तो देख रहे हैं तो हमारा ये देखिए पहला नंबर, तो इतना ये है, ये क्या है, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, इसका आधार है, इसका क्या है, आधार है। हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल ये वाला बोला जा रहा है क्षेत्रफल, तो यार ये वाला दिमाग आप लगाइए कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल होता क्या है। तो बोलेंगे इसका क्षेत्रफल तो वही होता है जो यहां पर लिखे हुए हैं, जो यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पाई रस्वा, मतलब यही तो है, ये वृत्तवा दिख रहा है ना, नीचे वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त, अब यार सोचिए शंकु ऐसे है, इधर सामने से पूरा भरा हुआ है, सामने से आपको वृत्त नजर आ रहा होगा, ठीक, सामने से आपको वृत्त नजर आ रहा होगा, मतलब इसको अगर आप देखें तो ऐसे 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 करते जा रहे हैं, इसको आप सामने से अगर देख रहे हैं तो सामने से तो ऐसे वृत्त नजर आएगा ना, तो ये जो वृत्त नजर आ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर, क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर को हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे क्या, आधार का क्षेत्रफल। और इसके साथ ये जितना है यहाँ पर, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, मतलब कितना दूरी तक है, तो कि जितनी ऊंचाई है यहां से यहां तक ऊंचाई, मतलब हम लिख देंगे गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई हो गया। अब इसको अगर हम रखते हैं इस पर, तो आधार का क्षेत्रफल, एक बात यहाँ पर आपको निकल करके आती है कि ये जो है, ये जो है एक पूरा बेलन के समान है, मतलब यहाँ इतनी चौड़ाई, लेकिन ऊपर जो है ये इसका तीसरा हिस्सा रहा है, एक दो ये तीसरा हिस्सा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रख देंगे 1/3, 1/3 भी रख देंगे, ठीक। अब हम इस फार्मूले को रखेंगे तो 1/3 गुणा आधार का पाई आर स्क्वायर गुणा ये एच, तो टोटल मिलाकर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। इस तरीके से सूत्र बन गया। फिर से सूत्र हमारा जो बन रहा है वो वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का। इस शंकु के बाहर बाहर का मतलब किनारे किनारे का देखा जा रहा है, तो बताइए नीचे वृत्त है, नीचे क्या है, वृत्त है, और नीचे जो वृत्त है वो किस वृत्त, मतलब वो किनारे का लिया जा रहा है, किनारे पर वृत्त लिया जाता है, तो 2πr बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, 2πr बोला जाता है, ठीक है। तो हम अब 2πr होगा, एक बात और ध्यान में रखना है कि इस एरिया में हमारा किस तरीके से ये वृत्त है और उस एरिया में किस तरीके से वृत्त हो सकता है। यहाँ पर आर हमारा 2 भाग, हम यहाँ को बनाने से पहले अब दिमाग बैठाएंगे क्या, 1/2 के साथ, 1/2 के साथ गुणा करेंगे किस, 1/2 गुणा करेंगे किसका, आधार की परिध का, आधार की परिध, अब आप समझ सकते हैं वही वृत्त की परिध, वृत्त की परिध, परिध मतलब वहां पर वृत्त में हमने समझाया,
आधार की परिधि। और अब ये परिधि जो है किस तरीके से घूमते हुए जाएगी, ऊंचाई तक तो जाएगी, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई तक की जाएगी, कैसे तिरछा हो जा रहा है, ज्यादा कम 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 होता जा रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब हम वैल्यूज को रखते हैं एक बार, 1/2 का 1/2 गुणा आधार की परिधि को हम क्या बोलेंगे, आधार की परिधि को पता है कि इसको बोलते हैं 2πr, इसको बोलते हैं 2πr। टू पाई आर गुणा तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर बच क्या रहा है, पाई आर एल, क्या बच रहा है, पाई आर एल। ये बना हमारा फार्मूला, ये बना हमारा फार्मूला जिसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं सभी को। ठीक, अब हम पहुंचते हैं संपूर्ण पृष्ठ पर। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि इसके पूरे के पूरे, ये जितना दिख रहा है ये पूरा का पूरा कितना है, तो पूरा पूरा कितना होगा, बाहर से देखेंगे तो वक्र पृष्ठ होगा, बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, और अगर हम अंदर से बस यही नीचे से देख लें तो हमारा वृत्त होगा। ये पूरा का पूरा बाहर हमारा वक्र कितना गोला का मतलब कितना बाहर बाहर है तो वक्र पृष्ठ है, साथ ही साथ नीचे साइड से देखते हैं तो हमारा क्या है वो आपका आधार का क्षेत्र। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है क्या, पाई आर। वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, देख लीजिएगा यहां पर है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। यदि इसमें हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर बाहर हो जाएगा, तो यहां बचेगा एल प्लस आर बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। ठीक, तो हम इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा फार्मूला बन जाता है, बस यही था, यही सूत्र होगा, क्योंकि नीचे से जितना वृत्त ये है और ऊपर से कितने में वो है, बस यही हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं तिर्यक ऊंचाई पर। तो तिर्यक ऊंचाई की चर्चा करें तो यहाँ पर एक एक चीज दिख रहा होगा आपको, अगर आप नजर आ रही हो तो ये चीज देखिए, ये दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर बोलते हैं लंब, यहाँ पर बोलते हैं आधार। तो कर्ण का सूत्र जो होता है हमारा, कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का। सेम ऐसे ही देखिए इसमें दिख रहा है, क्योंकि शंकु का जो हमारा परिभाषा होता है वो समझ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हो और अपने उसी अक्ष पर उसी जगह पर वो घूम ले वैसे लंबवत उसी तरीके से, तो वो एक शंकु का आकार बना देता है वो पूरा डिजाइन। तो यहां पर हम चल रहे हैं, यहां पर निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई को। तिर्यक ऊंचाई में हम बात को समझते हैं, क्या क्या चीजें हमारी यूज हो रही हैं। यहां पर जहां कर्ण है वहां एल है, जहां पर ये लंबाई है वहां एच है, और जहां धार है वहां आर है, बस इतना फर्क है और ज्यादा फर्क उसमें नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट त्रिज्या, अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, तो त्रिज्या जो है इसको तो हम एल बोलेंगे ही, इसको तो हम एल बोलेंगे, और त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या को तो हम आर बोलेंगे और ऊंचाई को बोलेंगे एच के स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है इसमें कि अगर सूत्र को बदलना हो, यानी L बराबर, तो आपको क्या करना है, जब जब भी R निकालना हो, H निकालना हो, तो L यहां पर रख दीजिएगा, बाकी पीछे रखिएगा, लेकिन माइनस में रखिएगा हमेशा। L निकालना हो, जैसे यहां पर R निकालना हो तो R यहां रखो, L यहां रखो, स्क्वायर में, यहां माइनस में। H निकालना हो, H यहां पर रखो और यहां पर आपको L रख के स्क्वायर लगा देना, मतलब माइनस रहेगा, यही अकेले प्लस में रहेगा, बाकी सारे के सारे माइनस में रहेंगे। ठीक है, अब बाकी जो उदाहरण होते हैं अगर उनको देखा जाए कि एक लंबवृत्तीय शंकु है और उसका व्यास 14 मीटर है, बोल दिया जाए कि उसका व्यास क्या है, व्यास को बोलते हैं 14 मीटर है, और उसका मान लीजिए उसमें आपकी ऊंचाई 3 मीटर है,
एच बराबर आपका 3 मीटर है, तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपका आयतन, क्या निकालना हो, मान लीजिए आयतन, ठीक है, मान लीजिए आयतन, तो दिमाग लगाइए, आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1/3 πr² रखना पड़ेगा, तो इसमें हमारा 1/3 का 1/3 रखेंगे, गुणा पाई का मान 22/7 होता है, इसको रख देंगे, गुणा आर का मान हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर डी हमारा 14 है, जबकि हम लिखे हैं जो डी होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, इसका मतलब त्रिज्या उसकी आधी होगी, तो यहाँ पर हमारा आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 14/2 मतलब 7, 7 × 7 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है सूत्र में, अब एच लिखेंगे, एच हमारा कितना है ऊंचाई, ऊंचाई 3 है, इसको रखेंगे, 1 7 7 कैंसिल हो गया, 3 से भी 3 कट गया, बचा यहाँ पर 7, तो 22 7 बराबर 22 7 दूना 14 मतलब 14 और 7 दूना 14 = 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पर बात यह है कि ये जो होगा आपका आयतन जो होगा ये घन में होगा और बाकी सभी वर्ग में होंगे, बाकी सभी कितने किसमें होंगे, वर्ग में, और ये तो सेमी में होगा चाहे जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझिएगा, आयतन आपका घन में होता है बाकी वर्ग में होंगे और कुछ भी नहीं, आपको ज्यादा इसमें समझने वाली बात है और न समझना है। ये था शंकु का आज का थोड़ा सा आपका एक, हम सोचे कि सूत्र वगैरह बता दें कैसे बनता है क्या चीज होती है, तो हमने थोड़ा सा बता दिया, इसके बाद हम गोले का लेकर आएंगे, अर्ध गोले गोले पूरे का, और फिर हम आगे मैथ्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं उन सब पर हम चलेंगे, और आपको 12th के बाद 10th के बाद क्या करना है, कैसे मैथ्स को पढ़ना है, कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, साइंस को कैसे कवर करना है, इस तरीके की वीडियो बहुत पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, जो भी देखे हो अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब करें, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें, डिस्क्रिप्शन नहीं खोल पाते हैं तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल और आएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो जिस पर भी मिलती है मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, तो जरूर उसको आप सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिएगा और रही मैंने टेक्नो प्लस चैनल पर, जय हिंद, गुड बाय।